एक्सक्यूज मी, यस, आपके पैसे गिर गए थे और इन्होंने उठा लिए। पागल हो क्या, कुछ भी बोले जा रहे हो। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इन्होंने आपके पैसे उठाए हैं। हम क्या यहाँ पैसे उठाने आए हैं? यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैडम आप पीछे जाइए। ठीक है, मैं पीछे चली जाती हूँ। आप एक काम करिए, मेरी जगह पे आ जाइए। थैंक यू सो मच। आपने इन्हें कुछ बोला क्यों नहीं? मैंने अपनी आंखों से देखा था, इन्होंने आपके पैसे उठाए हैं। नहीं, शायद मैं घर भूल के आ गई हूँ। नहीं, आपसे पैसे गिर गए थे और इन लोगों ने उठाए हैं। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। आप एक काम करिए, कुछ पैसे अपने पास रख लीजिए। आप प्रेग्नेंट है ना, आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। थैंक यू सो मच। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगी। मेरा नाम शिविका पाठक है। मेरा नाम हरप्रीत है। एक्सक्यूज मी, आप इन्हें पहले जाने दीजिए, इनकी तबीयत खराब हो रही है, ये प्रेग्नेंट हैं, ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाएंगी। इतना कुछ नहीं होता है, मेरी भी वाइफ प्रेग्नेंट थी, ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मुझे वॉशरूम जाना है। हाँ तो आप चली जाइए। लेकिन मेरा नंबर चला गया तो? चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, मैं जाके आती हूँ, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है, ऐसे अच्छा बनोगे तुम्हें जॉब मिल जाएगी? जॉब तो उसे ही मिलेगी जो मैं पहले आया था। हेलो गाइस, तो आप सबका इंटरव्यू होने वाला है, आप आ जाइए अंदर। सर सिर्फ 5 मिनट रुक जाइए। क्या हुआ? मेरी एक फ्रेंड है, वो वॉशरूम गई है, प्रेग्नेंट है, मैं उसी का ही वेट कर रही हूँ। तुम उसके लिए वेट क्यों कर रही हो? उसके चक्कर में तुम्हारी भी जॉब चली जाएगी। आप आइए अंदर। सर उसकी तबीयत खराब है, 5 मिनट रुक जाइए बस, मैं उसको कॉल करती हूँ, वो आ जाएगी। ओके, सिर्फ 5 मिनट्स। हेलो हरप्रीत, जल्दी आ जाओ, इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, तुम जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ। रह गई तुम्हारी प्रेग्नेंट फ्रेंड, चली गई क्या? ठीक होगा अगर चली गई होगी तो, कम से कम हमारा कंपटीशन तो कम होगा। तुम दोनों ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हें दिख नहीं रहा वो परेशान है बेचारी, प्रेग्नेंट है। आप आ गए? हाँ, थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। इट्स ओके। हेलो गाइस, तो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो पहला इंटरव्यू हरप्रीत आपका है, आप आइए अंदर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इसे क्यों सबसे पहले बुलाया? हाँ, और अभी से ही हायर कर लेंगे, सभी इसकी वजह से हुआ है, इसी ने उसको बुलाया। तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? अगर उसको पहले बुला भी लिया तो कौन सी बड़ी बात है, वो बेचारी प्रेग्नेंट है। तुम इतना अच्छा बनने की कोशिश मत करो, अच्छा बनने से तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। मुझे चाहिए भी नहीं। देखो ये मेरी ड्रीम जॉब है, अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा। हेलो गाइस, तो मैं आपको मिलवाता हूँ हमारी कंपनी के ऑनर से, हरप्रीत जी से। ओनर? और तू? आप? यस मैं, और मैं आपको बता दूं कि रियल इंटरव्यू यहाँ नहीं बाहर चल रहा था, और मुझे अपनी कंपनी में ऐसा कोई इंसान नहीं चाहिए जो किसी की हेल्प ना कर सके, ईमानदार ना हो। मेरी कंपनी को लॉयल्टी चाहिए, जो तुम दोनों में बिल्कुल नहीं है। और वो पैसे भी मैंने जानबूझ के गिराए थे, और प्रेग्नेंट होने का नाटक भी मैंने इसलिए किया था ताकि तुम दोनों की इंसानियत देख सकूं। मुझे अपनी कंपनी में ऐसे लोग चाहिए जो सबको साथ लेके चले, ऐसे नहीं जो खुद आगे बढ़ने का सोचे। तो आप दोनों जा सकते हैं। और वो पैसे देके जाइएगा। शिविका, यू आर सिलेक्टेड। थैंक यू सो मच मैम। तुम कल से मैनेजर की पोस्ट ज्वाइन कर सकती हो। मैम मैनेजर की पोस्ट? लेकिन ये इंटरव्यू तो सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए था ना? हाँ, पोस्ट सेक्रेटरी के लिए थी, बट मैंने तुम्हें मैनेजमेंट के लिए हायर किया है।
शिविका तुम बहुत अच्छी इंसान हो, हमेशा ऐसे ही रहना। थैंक यू सो मच मैम। किसी भी कंपनी को क्या चाहिए, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और लॉयल्टी। तुमने मुझे ट्रस्ट दिखाया जब तुमने मुझे पैसे दिए, और तुमने मुझे रिस्पेक्ट दी जब अपनी पोजीशन दी, और तुमने मुझे लॉयल्टी दिखाई जब तुमने मेरा वेट किया। तो मुझे तुम्हें हायर करते हुए बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच मैम। ये वो पैसे जो तुमने मुझे दिए थे, और ये वो जो उन्होंने चुराए। लेकिन मैम ये मेरे नहीं है। रखो तुम। सी यू टुमारो। ओके मैम।